हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए सिंगल कलर में स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये स्वेटर का डिज़ाइन आप लोग लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, कार्डिगन में, स्वेटर में, जैकेट में, हाफ कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, टोपी में, कहीं पर भी ये डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन बनेगा चार फंदों के मल्टीपल में, चार फंदे चार फंदे चार फंदे आपने लगाने हैं। तो उसके अलावा आपने दो फंदा एक्स्ट्रा रखना है इधर उधर एस स्टिच के लिए, ठीक है। तो डिज़ाइन की ये हमारी पहली सिलाई सीधी साइड से शुरू होगी। तो डिज़ाइन शुरू करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो डिज़ाइन की ये हमारी पहली सिलाई है सीधी साइड से। तो ध्यान से देखिए, पहला फंदा एस स्टिच हमने उतारा, धागा अपनी तरफ, एक दो और एक तीन, तीन फंदा उल्टा, ठीक है। तीन फंदा उल्टा, जैसे मर्जी आपने बॉर्डर बनाया हो, बॉर्डर बनाने के बाद सीधी साइड से आपने डिज़ाइन शुरू करना है। एक एस स्टिच, फिर तीन फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रख के एक फंदा को इस तरह से जाली के साथ सीधा बनाना है, ठीक है। तो पूरे फंदे हमने इसी तरह से रिपीट करना है। ये देखिए, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखना है, ये जाली के साथ एक फंदा सीधा, ठीक है। तो पूरे फंदे हमें इसी तरह से रिपीट करनी है। धागा अपनी तरफ किया, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, एक फंदा को इस तरह से जाली के साथ सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा को अपनी तरफ ही रखकर जाली के साथ एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ रखकर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, फिर एक फंदा सीधा जाली के साथ, ठीक है। लास्ट में फिर एस स्टिच हमारा एक सीधा। तो इस तरह से डिज़ाइन की पहली सिलाई आप सीधी साइड से पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तीन फंदा उल्टा, एक फंदा जाली के साथ ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, उल्टे तरफ से दूसरी सिलाई। ये देखिए, पहला फंदा उतारा, ठीक है, धागा अपनी तरफ, ये जाली वाला और ये सामने वाला फंदा, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। जो हमारा तीन फंदा सीधे तरफ से उल्टा था, ये तीन फंदा हमारा उल्टे तरफ से सीधा बनेगा, ये ध्यान देना है। एक दो तीन फंदा सीधा, अब ये हमारे पांच फंदे हो गए एक जाली के साथ, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ये जाली वाला फंदा है और सामने वाला फंदा है, ये दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। जो हमारा सीधे साइड से तीन फंदे उल्टे बने हैं, वो उल्टे तरफ से तीन फंदे सीधे बनेंगे, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। ये देखिए, ये जो जाली वाला फंदा, इजीली पता चल रहा है, जाली वाला फंदा और ये सामने का फंदा, ये दो फंदा बनाना है उल्टा, दो फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, ये देखिए जाली वाला फंदा, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन फंदा सीधा। तो इस तरह से डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से इस तरह से फंदे कंप्लीट करेंगे। दो फंदा उल्टा, लास्ट में तीन फंदा सीधा, एक एस स्टिच उल्टा। तो
तो ये हो गई हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट, डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से। अब ये देखिए पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, शुरू के जो तीन फंदे हैं उल्टे बनेंगे, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो दो हमारा जाली वाला और एक ये फंदा, ये दो फंदा सीधा बनेगा, ठीक है, जो उल्टे तरफ से उल्टे बने थे और ये दो फंदे सीधे तरफ से सीधे, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए जाली वाला फंदा और ये फंदा, ये दो फंदा आपका सीधा बनेगा। तो पूरे फंदे इस तरह से बनाएंगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, सॉरी तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, जो आप शुरू से बना रहे हैं तीन फंदा उल्टा वो आपका उल्टा ही बनेगा, जाली वाला और जो दूसरा फंदा था वो आपका दो फंदा सीधा बनेगा। तीसरी सिलाई है सीधी साइड से, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा। तो इस तरह से डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से आप पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से हमने जैसे सेम दूसरी सिलाई में बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, जो सीधे तरफ से तीन फंदे उल्टे हैं वही तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, शुरू के हमारे दो फंदे उल्टे हैं, ये दो हमारे डिज़ाइन के फंदे, शुरू में दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये तीन फंदे आपको बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा, ये तीन फंदे सीधे उल्टे तरफ से, ठीक है, तो आपने ये तीन फंदों को सीधा बनाना है। देखिए दो फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा, ठीक है, अब सेम वही, दो फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा, सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाने हैं, एक दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा। तो इस तरह से डिज़ाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट करेंगे उल्टे तरफ से, दो फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा बनाकर। ये हमारे डिज़ाइन की चौथी सिलाई हो गई कंप्लीट, लास्ट में तीन फंदा सीधा एक स्टिच उल्टा, ठीक है, ये देखिए फोर्थ रो। अब चलते हैं फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई डिज़ाइन की, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये हमारा डिज़ाइन बनकर आ रहा है। पांचवी सिलाई सीधी साइड से, पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, सीधे तरफ से पांचवी सिलाई है, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो हमारा जाली वाला और ये फंदा है इनको हमने इस तरह से दो का एक करना है, पांचवी सिलाई सीधी साइड से, ठीक है, इस तरह से दो फंदे का एक करना है, धागा अपनी तरफ, सेम वही तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो हमारा जाली वाला और दूसरा फंदा है इसको हमने
इधर से सिलाई लगाते हुए दो फंदे का एक करना है, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे को एक करना है इस तरह से। धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये दो फंदों को एक करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे को एक करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा वही उल्टा जो आपका शुरू से बनते हुए आ रहा, ठीक है। और जाली वाला और जो चौथा नंबर का फंदा है उनको आपने दो का एक करना है। ये डिज़ाइन की हमारी पांचवी सिलाई सीधी साइड से इस तरह से कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की हमारी पांचवी सिलाई हो गई कंप्लीट सीधी तरफ से। डिज़ाइन की छठवी सिलाई उल्टे तरफ से, पहला फंदा उतारा, ये देखिए। अब यहाँ पर दो एक फंदा हमारा उल्टा आया, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन फंदा सीधा, ठीक है, एक फंदा उल्टा। तो पूरे फंदे इसी तरह से बनाएंगे, जो तीन फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं, तीन फंदा सीधा, एक फंदा जो हमने दो का एक किया था उल्टा, वो हमारा उल्टा बनेगा। एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से डिज़ाइन की छठी सिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की सिक्स रो कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा डिज़ाइन छः सिलाई का है लेकिन 12 सिलाई में कंप्लीट होगा। तो यही 6 सिलाइयाँ हमें फिर से रिपीट करनी है और साथ में हमारा जगह चेंज होगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा डिज़ाइन है, अब ये इधर बनेगा डिज़ाइन, और ये जो डिज़ाइन बना है, डिज़ाइन वाला फंदा और इधर उधर का फंदा, ये हमारे तीन फंदे उल्टे बनेंगे। ये जो डिज़ाइन का फंदा और इधर उधर का फंदा है, ये तीन फंदे उल्टे और यहाँ पर हमारा जाली के साथ बनेगा। पहला फंदा हमने उतारा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, ये देखिए, इसको हम जाली के साथ बनाएंगे। आप यहाँ से मतलब डिज़ाइन शुरू करें, जैसे ये फंदा है आपका बीच वाला, एक दो तीन फंदा आपका उल्टा बनेगा, इस पर आपका जाली के साथ दूसरा डिज़ाइन बनेगा। यानी कि अब सेम वही डिज़ाइन बन रहा है लेकिन हमारा जगह चेंज हो रहा है, ये देखिए जाली के साथ बनाए, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, फिर सेम वही डिज़ाइन, तीन फंदा उल्टा, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, सॉरी धागा अपनी तरफ ही रखना है। फिर जो तीन, एक दो तीन फंदे आपके जो उल्टे दिख रहे हैं, वही बीच वाले फंदे पर आपका डिज़ाइन बनना है। तो यहाँ पर आपने एक फंदे पर जाली बनाना है सीधा बनाते हुए, ठीक है। फिर से धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, चौथा फंदा को जाली के साथ बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा, चौथा फंदा को जाली के साथ बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, एक, ये देखिए दूसरा जो डिज़ाइन का फंदा है वो आपका वो आना चाहिए, दो तीन फंदा उल्टा, चौथा फंदा जाली के साथ बनाएंगे, एक दो तीन फंदा उल्टा, चौथा फंदा आपका जाली के साथ बनना चाहिए, फिर लास्ट में आपका दो फंदा उल्टा, एक स्टिच सीधा। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की फिर से पहली सिलाई कंप्लीट, या फिर आप सातवीं सिलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से डिज़ाइन की हमारी आठवीं सिलाई या फिर दूसरी सिलाई, ठीक है। तो पहला फंदा उतारा,
अब यहाँ पर आपने ये जाली वाला, इसको ध्यान देना है, जाली वाला ये फंदा और ये हमारा उल्टा बनेगा, धागा पीछे, यहाँ पर दो फंदा सीधा बनेगा, धागा अपनी तरफ। अब ये देखिए, ये जाली वाला ये फंदा और ये फंदा आपका, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब यहाँ पर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली वाला फंदा को ध्यान देना और सामने वाला फंदा को, ये दो फंदा हमारा उल्टा बनेगा, ये हमारे डिज़ाइन के बनेंगे, ठीक है। इस तरह से एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, जाली वाला और ये सामने का फंदा उल्टा। तो ये फिर से दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, लास्ट में एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो ये फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, सॉरी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई फिर से सीधी साइड से बढ़ते हैं, तो तीसरी सिलाई में ये देखिए, पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब सीधी साइड से ये देखिए, ये जाली वाला फंदा और ये फंदा, दो फंदा हमारा डिज़ाइन का सीधा, धागा अपनी तरफ, अब तीन फंदा उल्टा, हमारा सेम डिज़ाइन वही है, सिर्फ जगह चेंज हो रहा है। तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये देखिए जाली वाला फंदा और ये फंदा, दो फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, ये जाली वाला फंदा, ये देखिए पहले जाली वाला फंदा और ये पीछे का फंदा, सीधे साइड से पहले जाली वाला फंदा और पीछे का फंदा, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, सॉरी तीन फंदा उल्टा, आपका तीन फंदा उल्टा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जो जाली वाला और दूसरा फंदा है, वो दो फंदे आपके सीधे तरफ से सीधे और उल्टे तरफ से उल्टे बनेंगे, जाली वाला फंदा और पीछे का फंदा सीधा। इस तरह से तीसरी सिलाई आप कंप्लीट करेंगे, दो फंदा सीधा, लास्ट में धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा और एक स्टिच सीधा। तो ये फिर से तीसरी सिलाई हो गई कंप्लीट। चौथी सिलाई हमारा सेम वही बनेगा, जैसे फंदे आपको दिख रहे हैं वैसे ही बनाना है, धागा अपनी तरफ, ये शुरू के दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अब यहाँ पर दो फंदा उल्टा, जाली वाला फंदा और इधर का फंदा, ये देखिए इजीली पता चल रहा है, जाली वाला फंदा और सामने का फंदा, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक दो तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा। जो डिज़ाइन जाली वाला और जो दूसरा फंदा था, आपने वो दो फंदों को ध्यान में रखकर चलना, और जो तीन फंदा है आपका, वो आपका उल्टे तरफ से सीधा और सीधे तरफ से उल्टे बनेंगे, और जो जाली वाला और दूसरा फंदा है आपका उल्टे तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से सीधा बनेगा, इसका ध्यान देना है, ठीक है। तो ये फोर्थ रो हमारी, चौथी सिलाई हो गई कंप्लीट।
तो डिज़ाइन की पांचवी सिलाई में हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। ठीक है, ये देखिए पहला फंदा उतारा धागा अपनी तरफ, यहाँ पर एक फंदा उल्टा है, ठीक है, धागा पीछे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये दो फंदों का, जाली वाला फंदा और ये फंदा, इस तरह से दो फंदे का एक करना है, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये देखिए ये दो फंदों को हमने एक करना है, पांचवी सिलाई सीधी साइड से, ठीक है, इस तरह से दो फंदों का एक करना है, तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये दो फंदों का एक करते हुए जाएंगे। पांचवी सिलाई में आप डिज़ाइन को इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है, तीन फंदा उल्टा, जो आपने जाली बनाया उसको आपने पांचवी सिलाई में दो फंदे का एक करना है, इस तरह से, जो आपका तीन फंदा उल्टा था वो उल्टा ही बनेगा। ये देखिए जाली वाला फंदा और पीछे का फंदा, दो फंदे का एक करना है, इस तरह से सीधा करते हुए, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे का एक करना है, लास्ट में दो फंदा उल्टा, एक एस स्टिच सीधा। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइन की पांचवी सिलाई कंप्लीट। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन एकदम बनकर आया है, बहुत ही प्यारा सा और यूनिक सा ये हमारा स्वेटर का डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन की हमारी छठी सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा उतारा धागा पीछे, यहाँ पर दो फंदा उल्टा है शुरू में, ये देखिए पीछे से सीधा है ना, तो यहाँ पर सीधा ही बनाना है आपको, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर ये जो एक फंदा डिज़ाइन का, जो हमने दो का एक करा था, वो आपका उल्टा बनेगा, बाकी जो तीन फंदे सीधे तरफ से उल्टे और उल्टे तरफ से तीन फंदे सीधे, एक फंदा भी छठी सिलाई में आपका सिर्फ एक फंदा उल्टा बनेगा, ठीक है, जो हमने दो का एक किया था। तो इस तरह से डिज़ाइन की हमारी छठी सिलाई हो गई कंप्लीट। तो 12 सिलाई में पूरा हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, तो ये हो गई हमारी फिर से डिज़ाइन की छठी सिलाई कंप्लीट। और ये देखिए हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न बनकर आ गया है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर का डिज़ाइन। तो इस तरह का डिज़ाइन आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे डिज़ाइन की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।